नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जब परीक्षा की डेट आ जाती है तो एक प्रेशर आप लोगों के दिमाग में हमेशा होता है कि अब वो वक्त आ गया है कि पढ़ाई बहुत अच्छे से शुरू कर दी जाए। लेकिन सारे लोगों के लिए तब भी नहीं, कुछ लोगों के लिए ये एडमिट कार्ड आने पर होता है और आयोग एडमिट कार्ड जारी करता है एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, कभी कभी 8 दिन पहले भी। खैर, ये आपकी अपनी स्ट्रेटजी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपकी जो स्ट्रेटजी हो वो एक सही स्ट्रेटजी हो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, चाहे वो बात मेरी हो और चाहे वो आपकी हो। कोई भी काम जो हम करते हैं और उसको हम कहें कि ये सही ही है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, और इसी के लिए हमको दूसरों की या अन्य विचारों की ज़रूरत होती है या अन्य आप कह सकते हैं गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो दूसरे लोग बताते हैं। और ये जो गाइडेंस होता है इसमें अनुभव भी होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं जानते, इसीलिए दूसरों की बात आपको माननी भी चाहिए। एक लंबे अनुभव और एक आप कह सकते हैं बहुत सारे रिजल्ट्स को देखते हुए मैं ये बात कह सकता हूँ कि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो अनवरत प्रयास करते हैं। हमारे पास इस समय लगातार मैसेज आ रहे हैं कि एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाइए और उस स्ट्रेटजी वीडियो में आप बता दीजिए कि क्या क्या पढ़ना है जिससे सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले ईमानदारी के साथ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई स्ट्रेटजी वीडियो एक नहीं बनाया जा सकता जिसको पढ़ने के बाद में, जिसको देखने के बाद में आप और कुछ ना करें उससे सिलेक्शन हो ही जाए। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि उस स्ट्रेटजी वीडियो को अगर मैं आपको देता हूँ और आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर आप आसानी से उस काम को कर सकते हैं, और वीडियो देखने के बाद नहीं लेकिन वीडियो में बताई गई चीज़ों को फॉलो करने के बाद में आप ज़रूर अपने एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ ओम पांडे, आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस लाता रहता हूँ IAS Prep हमारा चैनल, और लगातार आपके लिए हम लोग सेशन भी चलाते हैं, आपके लिए कोर्सेज भी चलाते हैं। और हमारे कोर्सेज की सबसे खास बात होती है कि हम क्वालिटी मटेरियल बहुत कम पैसे में आपको देते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे एक ऐसे स्ट्रेटजी प्लान के बारे में जो आपके राह को आसान करेगा। बात हो रही है UPPCS 2024 की, और इसमें प्रीलिम्स की बात अगर हम करें, केवल प्रीलिम्स की बात करेंगे तो दो पेपर इसमें होते हैं। एक आपका 150 क्वेश्चंस का GS का पेपर, जो कि 200 नंबर का होता है, और दूसरा आपका 100 क्वेश्चन का CSAT का पेपर, जो कि 200 नंबर का वो भी होता है। लेकिन दूसरे पेपर में केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें 33% मार्क्स आपको लाने होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को उसमें भी दिक्कत होती है, कुछ लोग उसमें परेशान होते हैं, एक दो नंबर से फेल हो जाने के डर से परेशान रहते हैं क्योंकि उनको मैथ नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, और वो उसको पढ़ते नहीं इसलिए फेल हो जाते हैं। इतनी कठिन मैथ रीजनिंग उसमें नहीं पूछी जाती कि आप कर ना सकें, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि अगर आप उसका बिल्कुल निरादर कर देते हैं, उसको कहते हैं कि अरे ये पेपर क्या पढ़ना, तो निश्चित तौर पर वो दिक्कत देते हैं, तो उसकी भी बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले जिसके बल पे आपको पास होना है वो है GS, तो GS की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं। GS 150 क्वेश्चन का, 200 नंबर का, एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का। अब 1.33 मार्क्स का एक क्वेश्चन अगर उसको आप गलत करते हैं तो इसका 1/3 आपका मार्क्स कट जाता है, तो जाहिर सी बात है 0.444 मार्क्स ये आते हैं। अगर 3 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, 1 सही करते हैं, तो स्कोर बराबर हो जाता है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन जो लोग नए कैंडिडेट हैं कई बार ये बात भी उनको समझ में नहीं आती है। चलिए 3 मिनट में कुछ 4-5 महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहता हूँ। समय आपके पास अभी करीब 4 महीने का, 4 महीने के समय में सबसे पहले आपको काम क्या करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट अफेयर, ये 4 पोर्शन सबको पढ़ने हैं। आप कहेंगे कि मुझे हिस्ट्री नहीं आती, तब भी पढ़ना है। आप कहेंगे कि ज्योग्राफी मुझे कठिन लगती है, तब भी पढ़ना है। पॉलिटी ऐसा होता है कि लगभग सबके लिए इक्वल होती है, उसको पढ़ना है। और करेंट अफेयर को तो छोड़ना ही नहीं है। करेंट अफेयर अगर आप सही से नहीं करेंगे तो आप फाइट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 20% ऑफ द पेपर यानी कि 150 क्वेश्चन में नियर अबाउट 25-30 क्वेश्चन डायरेक्टली करेंट अफेयर से, और कुछ क्वेश्चन में मान के चलता हूँ लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करेंट के मुद्दे से रिलेटेड बनाए जाते हैं। और आज का जो पेपर है UPPCS का, उसको आप UPSC से कम मत समझिए इनोवेशन के मामले में। हालांकि UPSC के क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है, उनका क्राइटेरिया अलग है, उनके तरीके अलग हैं पूछने के, लेकिन PCS के पेपर को आप कमज़ोर मत समझिएगा। तो रट लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करेंट अफेयर, ये सबको पढ़ना है। फिर बात आती है जो इसके बाद का सेगमेंट है, वो है आपका साइंस का। साइंस में हो सकता है कि आपको कुछ पोर्शन में दिक्कत हो, लेकिन इस पर भी मेरा दावा है अगर जनरल वे में थोड़ी सी भी समझ आपकी है तो 60-70% क्वेश्चन यहाँ पर भी आप पढ़ने के बाद में करने लायक हो जाते हैं। जहाँ जिस पोर्शन में आपको दिक्कत हो रही है उसको छोड़िए, लेकिन जो पोर्शन फ्रूटफुल है उनको ज़रूर पढ़िए। जैसे बायोलॉजी में आप आएंगे तो बायोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना जानते हो, आप अपने आसपास भी उसको महसूस करते हैं, बस उनको शब्दों में देख लेना है कि भाई वो विटामिन किस काम आती है, उसकी कमी से क्या रोग होता है, उसकी पूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए, गाजर किसने नहीं खाई, मूली किसने नहीं खाई है, मिर्चा कौन नहीं खाता है, तो ये देख लेना है कि भाई इसमें मिर्चा खाते हैं तो कौन सा विटामिन होता है, CC करते हैं ना तो विटामिन सी होता है, कुछ फार्मूले बना लीजिए।
भारत की भूगोल की अगर हम बात करें, विश्व की भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चंस खूब आते हैं। 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। लेकिन कुछ निश्चित चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप भारत की भूगोल का परिचय नहीं छोड़ सकते, आप ड्रेनेज सिस्टम नहीं छोड़ सकते, आप उद्योग नहीं छोड़ सकते, आप खनिज नहीं छोड़ सकते। इसको आपको निश्चित तौर पर पढ़ना है। विश्व की भूगोल में यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी में आप जा रहे हैं तो आपको भूकंप, ज्वालामुखी हर हाल में पढ़ के जाना है, विश्व की कुछ नदियों के बारे में पढ़ के जाना है। और विश्व की भूगोल में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है मैपिंग। विश्व की भूगोल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी है। मानव भूगोल का पोर्शन खूब पूछा जाता है, जनजाति प्रजातियाँ विश्व स्तर पर पूछी जाती हैं, एग्रीकल्चर से खूब सवाल आते हैं, चाहे वो इंडिया में हो और चाहे वो विश्व में हो, वर्ल्ड में हो। तो एग्रीकल्चर से तैयारी आप कर लीजिए, ट्राइब्स आप तैयार कर लीजिए, ये सारे नॉर्थ ईस्ट वाले से जो क्षेत्र हैं वहाँ पर खूब ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो आप यूरोप पे खूब ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना, मिडिल ईस्ट पे खूब ज़्यादा ध्यान दे लीजिए, है ना। आप यहाँ पे आए तो दक्षिण पूर्व एशिया पे खूब ज़्यादा ध्यान दीजिए। उन सारी महत्वपूर्ण स्ट्रेट को देख डालिए जो चर्चा में बनी रहती हैं, किसी न किसी कारण से वो चर्चा में रहती हैं। आप जब अमेरिका पहुँचिए तो वहाँ पे अगर ग्रेट लेक्स के बारे में आप पढ़ लेते हैं, आप ग्रासलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं, आपको बाउंड्री के बारे में पता है, कभी कभी राजधानी शहर भी पूछे जाते हैं जो चर्चा में रहते हैं, कभी कभी स्टेटिक सवाल भी पूछे जाते हैं, कौन सा शहर किस नाम से जाना जाता है और किस लिए जाना जाता है, इसको जरूर देख लीजिए। जब आप इतिहास में आते हैं तो इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है 1857 से लेके 1947 तक जो भारत आज़ाद हुआ है, उसी में कांग्रेस की भी बात आती है, उसमें गांधी युग की बात आती है, उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ जिसने भारत को आज़ाद कराने में महती भूमिका निभाई है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो घटना हो, और चाहे वो कोई भी विद्रोह किसी भी रूप में आ पड़ रहे हैं, या जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए जो अंग्रेजों के द्वारा हुए, तो 1773 से शुरू करिए 1935 तक पूरा देख डालिए, उसके इंपॉर्टेंट फीचर आप देख डालिए। जब क्वेश्चन करिए तो क्वेश्चन करने के दौरान ये सबसे आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। पॉलिटी का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। पॉलिटी में आप जब शुरू करेंगे तो संविधान की विशेषताओं से लेके और जब अंत तक आप आएंगे संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका, इन सबको पढ़ लेंगे। उसके बाद में जो आप नहीं पढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 3-4 क्वेश्चन वहाँ से निश्चित तौर पर आता है, जो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशंस को पढ़ लीजिए। चाहे वो चुनाव आयोग है, चुनाव हुए हैं, चुनाव आयोग चर्चा में रहा है, है ना, हमेशा ईडी चर्चा में रहता है, उसको आप पढ़ लीजिए। आप ऐसे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी बॉडीज़ हैं जो काम कर रहे हैं, स्टेट्यूटरी बॉडीज़ हैं, स्टेट्यूटरी बॉडीज़ से खूब क्वेश्चन आते हैं। आप हमेशा देखेंगे एनजीटी से क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, आप हमेशा देखेंगे कि बैंकिंग सिस्टम जो पूरा है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमी का पोर्शन है, लेकिन जब आप इसको पढ़ें तो कैसे कैसे बैंकों का विकास हुआ, आप यहाँ पे जब पढ़ें तो साथ साथ में पढ़ लें। और इकोनॉमी को तैयार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि करंट अफेयर पर अपनी पकड़ बनाइए। जहाँ पर करंट अफेयर में आपको दिक्कत हो रही है वहाँ पर आप तुरंत जाइए और बुक उठाइए, नेट पे सर्च करिए और तुरंत कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। इकोनॉमी के लिए मोटी किताब पढ़ने की जरूरत फिलहाल नहीं है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिए। राष्ट्रीय आय पता है आपको, है ना, सकल घरेलू उत्पाद का कॉन्सेप्ट आपको पता है, आपको मुद्रास्फीति का कॉन्सेप्ट पता है, है ना, जितने भी इससे रिलेटेड, है ना, जैसे इन्फ्लेशन पूछेगा, स्टेगफ्लेशन पूछेगा, ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिए तो निश्चित तौर पर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और यूपी सारे लोग पढ़ते हैं, यूपी में कुछ ऐसा है भी नहीं, 5-6 दिन अगर आप 3-3, 4-4 घंटा निकाल के यूपी के 500-700 सवाल हल कर लेंगे तो आसानी से यूपी का पोर्शन आपका हो जाएगा। और करंट अफेयर यूपी का उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम लगातार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, उसको आप तैयार कर लीजिए। फिर आपका बचता है जो कुछ पोर्शन है, जैसे एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट बहुत कठिन सवाल यहाँ नहीं पूछे जाते, तो आप पुराने पेपर को देख लीजिए, वहाँ पे काम चल जाएगा आपका। पुराने पेपर में कुछ कॉन्सेप्ट जहाँ पे देखना हो वहाँ पर नेट पे जाइए, इंटरनेट का मदद लीजिए, बुक की मदद लीजिए। इंटरनेट पे और बुक पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ के आप पर्यावरण का काम भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, ये जितनी भी चीज़ें हमने बताई उससे भी बड़ी बात इसमें यह है कि आप अगर अभ्यास नहीं करेंगे, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे आप कहेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास से भी तो पूछा जाता है, पूछा जाएगा, कभी कभी 5-7 सवाल पूछे जाएंगे, कभी 2-3 सवाल पूछे जाएंगे, तो वहाँ क्या करें, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बार बार देखें, जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको आप हल करें। मिडाइवल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है दिल्ली सल्तनत से आपका पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरा मुगल काल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी शब्दावलियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, शब्दावलियों को पढ़िए। उसका आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको पढ़िए। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप कम पढ़ के ज़्यादा लाभ कैसे उठाते हैं, और थोड़ा सा पढ़ते हैं और ज़्यादा उसका रिलेशन आप बना लेते हैं, कोरिलेट कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उससे प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपका प्रयास सबसे अच्छा रहता है। और ये काम हो पाता है MCQ के माध्यम से, चाहे PYQ करिए और चाहे नए क्वेश्चन करिए। PYQ इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि उनका स्टैंडर्ड अच्छा होता है, वो पूछे हुए सवाल है, आयोग वैसा पूछता आया है और पूछता रहेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको भले ना मिले, लेकिन जब आप PYQ कर लेते हैं तो उनके आधार पर आप
अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं। और टारगेट रखिए 100 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 95 to 100 क्वेश्चन, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि टारगेट जब इतना रखेंगे तो 5-7 क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पर कम हो जाएंगे, और कट ऑफ कब हाई चला जाता है कुछ पता नहीं चलता है। और अनिश्चितताओं की इस दौर में आपके हाथ में यही है कि आप कड़ी मेहनत करें। तो इन पोर्शंस को तैयार करिए और मुझे मैसेज जरूर करिए कि मैंने इसमें क्या नहीं बताया। ये ऐसे पोर्शन हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते। बाकी आपके पास पढ़ने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको कहेंगे कि जीके की सवाल भी पूछे जाते हैं, जीके इसी में तैयार हो जाएगा। और एक किताब लूसेंट को आप हर सब्जेक्ट को उसी से दोहराने की कोशिश करिए, लूसेंट को पढ़ के तैयार कर लीजिए। फैक्ट ही तैयार होंगे, लेकिन लूसेंट को आधार बनाने के बाद में जो जीके वाले सवाल हैं और कुछ कठिन सवाल भी उससे हो जाएंगे। तो आप कमेंट करिए कि आपको और इसमें क्या बेटर चाहिए, क्या अलग अलग स्ट्रेटजी में बताऊँ, तो मैं जरूर बताऊँगा। और बाकी आप हमारे कोर्सेज का भी लाभ उठा सकते हैं, टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है उसका भी लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।